गुड आफ्टरनून एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 1 फरवरी पे आप पहुंच चुके हैं और यहां पर आज थोड़ा सा लेट हो गया हमारे लेक्चर को, रीजन बीइंग आज बजट जो है उसे प्रस्तुत किया गया है और उसके ऊपर भी काफी सारे एमसीक्यूज वी आर प्लानिंग। तो आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे एमसीक्यूज बजट के ऊपर दिखने वाले हैं, सो दैट आपकी बजट की तैयारी भी प्रीलिम्स को लेकर हो जाए और अगर कोई भी क्वेश्चन बजट से पूछा जाता है आप उसका आंसर करने के लिए केपेबल रहें। चलिए डिस्कस करते हैं, आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा इन अ वाइल। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आपका कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम पे आप @prince_lutra के ऊपर मुझे अप्रोच कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं जो एरियाज को हम कवर करने वाले हैं यहां पर, तो 10 नए एरियाज को हम यहां पे कवर करेंगे। PMKSN जो स्कीम है इसके बारे में जानेंगे, किसान सम्मान निधि के बारे में, देन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्वाड ग्रुपिंग न्यूज में दे रखी थी इसके बारे में जानेंगे, एक क्वेश्चन मनरेगा को लेकर है, इकोनॉमिक सर्वे को लेकर भी एक क्वेश्चन बनाया गया है, एपीआई काफी न्यूज में था इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे एक स्टूडेंट ईशा सैनी ने भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे लाइव क्लास के अंदर। इकोनॉमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा रहेगा और मैप से रिलेटेड तो एक क्वेश्चन हम 10 क्वेश्चन में डालते ही डालते हैं। यहां पर रामसर साइट्स के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करते हुए फाइनली सीआईसी न्यूज में था इसके बारे में भी हम जानेंगे। चलिए, आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए आपको यहां पर बेल आइकन जो है इसको प्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद ऑल बटन को प्रेस करना जरूरी है। सो फर्स्ट प्रेस द बेल आइकन देन ऑल बटन को प्रेस करिएगा, सो दैट आपको जो लक्ष्मीकांत एमसीक्यू के वीडियोस हम बना रहे हैं, एनसीईआरटी के वीडियोस बना रहे हैं, उन सबके नोटिफिकेशन आपके मिस ना हो। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को आज ही प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट वेन एवर अ न्यू वीडियो इज पब्लिश्ड, जब भी कोई नया वीडियो प्रीमियर किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे आ जाएगा। चलिए, यहां पे जो ज्वाइन बटन है इसके अंदर भी कुछ नई चीजें हम लाने वाले इन नेक्स्ट 2 डेज, इन नेक्स्ट 48 आवर्स आपको वो दिखाई देने लगेंगी, सो यू कैन चेक दिस थिंग आउट। ज्वाइन बटन को प्रेस करके देख लीजिएगा जो मेंबरशिप के वीडियोस हैं वेरियस, और यहां पे जो रिवीजन वीडियोस हैं उनको प्लीज करिएगा। प्रिंसी सैनी के कॉन्टिन्यूअसली मुझे मैसेजेस जो है वो मिल रहे हैं इसके कंसर्निंग, वो हर क्वेश्चन हर वीडियो को देखकर उसमें आंसर जरूर करते हैं, जो कि काफी अच्छी हैबिट है। तो ये जितने भी आपके 1 से 2 मिनट के वीडियोस बनाए गए हैं, दीज आर द रिविजन वीडियो, आप इसको ओपन करें, जो मैं क्वेश्चन बोलता हूं उसे सुने और फिर वीडियो को पॉज करके उसका आंसर सोचने की कोशिश करें, और जब आपने आंसर सोच लिया हो उसे अनपॉज करें और फिर मेरी एक्सप्लेनेशन को सुने और देखिए कि क्या आप उसका आंसर कर पाए या नहीं कर पाए। चलिए, तो Gen50 कोड टुडे इज द लास्ट डे, फिर ये कोड जो है अवेलेबल नहीं होगा, इसको आप यूज कर सकते हैं आज के दिन में। और जो मार्किंग स्कीम है वो मैं आपको बता देता हूं न्यू स्टूडेंट्स के लिए कि यहां पे 6 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं टू बी इन द सेफ जोन, less than 6 अगर आपका स्कोर आता है तो आप इसे दोबारा से 1 घंटे में रिवाइज कर लीजिएगा और मेरी एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। लेकिन 6 या 6 से ज्यादा मार्क्स आते हैं देन आपके पास टाइम होगा कि 24 आवर्स में आप एक बार इसे रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन रिविजन जो है वो जरूरी है। आज चलते हैं अपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और यहां पर इस स्कीम के बारे में भी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने अपनी स्पीच में जिक्र किया था, और वैसे भी जो भी शब्द प्राइम मिनिस्टर के मुंह से निकलते हैं, प्रेसिडेंट के मुंह से, कैबिनेट के अप्रूवल्स इनके ऊपर आते हैं, वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताया कि ये लोकल नेचुरल कैलेमिटीज जैसे कि लैंडस्लाइड्स, हेल स्टॉर्म्स, इनको भी कवर करती है, यील्ड डिस्ट्रक्शन जो कि डोमेस्टिक पालतू जो होते हैं या फिर वाइल्ड एनिमल्स उनकी वजह से जो यील्ड डिस्ट्रक्शन होता है, जो डिस्ट्रक्शन देखा जाता है, वो भी इस इंश्योरेंस के अंदर कवर किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये जो है ऑप्शनल स्कीम है फार्मर्स के लिए जिन्होंने बैंकों से लोन लिया है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए डिस्कस करते हैं, अगर हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में डिस्कशन अपना स्टार्ट करें तो ये जो स्कीम है वैसे नाम से ही पता चल रहा है बीमा देना है, ठीक है, किसको, फसल को बीमा देना है, तो बीमा या इंश्योरेंस या फिर कवरेज जो देना है वो हमारी क्रॉप को देना है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है नेचुरल कैलेमिटी से होने वाले नुकसान जैसे कि लैंडस्लाइड्स हुआ, हेल स्टॉर्म हुआ या फिर कोई दूसरी ऐसी आपदा हो जाती है जिसकी वजह से फसल को नुकसान होता है, उसको कवर करने के लिए स्कीम जो थी लाई गई थी 2016 के अंदर। पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है अभी कुछ टाइम पहले ही इसे ऑप्शनल बनाया गया है, पहले ये कंडीशन होती थी कि ये ऑप्शनल उनके लिए है जिन्होंने लोन नहीं लिया है, लेकिन अगर किसी भी फार्मर ने पैसा बोरो किया हुआ है, लोन लिया हुआ है, तो उसके लिए ये जो स्कीम थी वो मैंडेटरी करी हुई थी, लेकिन अभी रिसेंटली इसे चेंज कर दिया गया है और इसे अब ऑप्शनल बना दिया गया है, तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। अब बात करी जाए हमारी सेकंड स्टेटमेंट की, तो ये स्टेटमेंट मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूं कि अगर डोमेस्टिक एनिमल्स की वजह से, वाइल्ड एनिमल्स की वजह से किसी भी तरीके का नुकसान होता है तो वो इसके अंदर कवर नहीं किया जाता। यील्ड डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल, क्या उनको कवर किया जाता है स्कीम के अंदर? सो आंसर इज नो, उनको कवर नहीं किया जाता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओवरऑल आंसर विल बी बी, क्योंकि पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। डोमेस्टिक वाइल्ड एनिमल से होने वाले डिस्ट्रक्शन को कवर नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर बिल्कुल मत भूलिएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो पीएम फसल बीमा योजना इंपॉर्टेंट है काफी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ क्वाड। कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन है, बट क्या होता है कि यूजली हम किसी चीज को क्वाड को बहुत बार न्यूज में देखते हैं, बट जो मेंबर्स हैं इसके वो हम भूल जाते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स इसमें होने वाले हैं। तो कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे कि अभी आप देखेंगे आप में से कुछ लोगों को यहां पे कंफ्यूजन होने वाला है कि क्या जापान था, क्या चाइना था, या ऑस्ट्रेलिया था, या यूएसए था। तो देखिए यहां पे क्वाड के कौन कौन से मेंबर्स है। रिसेंटली क्वाड न्यूज में था, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर उन्होंने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन से बात करी और कहा कि किस तरीके से बायलेटरल पार्टनरशिप को ग्रो किया जा सकता है और खासतौर में क्वाड की जो टाइज है उसको इंप्रूव किया जा सकता है। देखिए क्योंकि इंडिया ने बात करी है यूएस के साथ तो चांसेस ये हैं। क्वाड के बारे में हमें ये तो पता है कि इंडिया तो मेंबर है ही है, लेकिन बाकी कंट्रीज कौन सी है। तो यूएस तो होगा ही क्योंकि यूएस से बात करी मैंने आपको जो न्यूज बताई है, बाकी बची हुई कंट्रीज कौन सी है, क्योंकि क्वाड में चार कंट्रीज हैं ये आप जानते हैं, बट वो चार कंट्रीज कौन सी है सोचिए, चार ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो करेक्ट आंसर आपको बता देता हूं, इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। वैसे इजी क्वेश्चन था कंपेरेटिवली, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है। इंडिया यूएसए में याद आ सकता है, बट यहां पे कंफ्यूजन हो सकती है कि क्या जापान था या फ्रांस था, ऑस्ट्रेलिया था या जापान था। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, रिविजन काफी इंपॉर्टेंट है। मैप पे देख लीजिए क्वाड जो है ये बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया, क्योंकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, और यहां पे चार कंट्रीज जो है वो सामने आई हैं, जिसमें जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, ताकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, चाइना का जो दबदबा है, उनका जो पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल बनाने का जो एक सपना है उसको यहां पर काउंटर किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी इसे कहते हैं, क्यूएसडी, या फिर क्वाड ग्रुप भी कहते हैं। एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है जिसके अंदर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो रहते हैं, वो मेंबर हैं इसके अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट क्वेश्चन नंबर फोर, मनरेगा के बारे में क्वेश्चन है। बताया गया है कि मनरेगा को लेकर बताएं आपको कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट लगती है। तो यहां पर करेक्ट पूछा है, ध्यान रखिएगा सही पूछा है ना। तो पहली स्टेटमेंट कहती है द एक्ट प्रोवाइड्स अ लीगल राइट टू एम्प्लॉयमेंट फॉर एडल्ट मेंबर्स ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स। रूरल हाउसहोल्ड के अंदर एडल्ट मेंबर्स को लीगल राइट दिया गया है किस चीज के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। एटलीस्ट 50% बेनिफिशियरीज जो है वो विमेन होनी चाहिए एज पर द एक्ट। जो मनरेगा एक्ट के हिसाब से 50% जो इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट देनी है वो औरतों को देनी है, वो फीमेल को देनी है, वो जेंडर फीमेल जेंडर को देनी है। फंडिंग इज शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो यहां पे एक तरीके से कहा जा रहा है क्या है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ऐसा कहा गया है तीसरी स्टेटमेंट के हिसाब से। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए तो यहां पे रिसेंटली एक आर्टिकल दिया गया था द हिंदू के अंदर, और वहां पर बताया गया था बेसिकली मनरेगा के बारे में आर्टिकल था, इसके साथ साथ बजट के बारे में भी बताया गया था, अपकमिंग बजट के बारे में, और किस तरीके से इनइक्वालिटी जो है वो अलार्मिंग लेवल पे पहुंच चुकी है कंट्री के अंदर, इसके बारे में चीज बताई गई थी, कैसे हेल्थ केयर फेल हो रहा है। तो काफी नेगेटिव टाइप का आर्टिकल था। ठीक है, यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज उसमें से निकाली जा सकती है वो है मनरेगा के ऊपर एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन। तो आपको बताना था, तीन स्टेटमेंट मैंने आपको दी थी। तो यहां पर क्या ये राइट टू एम्प्लॉयमेंट देता है एडल्ट मेंबर को रूरल हाउसहोल्ड के अंदर? तो यस, पहली जो स्टेटमेंट है उसमें तीन फैक्ट आपको दिए गए और तीनों ही आपके करेक्ट हो जाते हैं। सेंटर और स्टेट दोनों की फंडिंग रहती है, लेकिन विमेन रिजर्वेशन कितने परसेंट रहता है कोई बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, जल्दी से बताएं। यस, इट इज 33%, ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहां पे आंसर आपका अब आपको पता चल गया, आंसर इज बी, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बात करता है इकोनॉमिक सर्वे 2021 को लेकर, और कहा गया है तीन स्टेटमेंट्स देखे कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि आयुष्मान भारत हैज लेड टू इम्प्रूव इन हेल्थ आउटकम्स। आयुष्मान भारत जो है इसने हेल्थ आउटकम्स के अंदर इम्प्रूवमेंट जो है वो दिखाई है। यहां पे जो इंडेक्स है बेयर नेसेसिटी इंडेक्स उसकी भी बात करी गई है, जिसके अंदर 26 इंडिकेटर्स हैं 5 डायमेंशन के ऊपर, और वहां पर रूरल अर्बन एरिया के लेवल्स के बारे में बात करी गई है, और 5 डायमेंशन जो है उसके बारे में भी बताया है, सैनिटेशन, वाटर, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरमेंट एंड अदर फैसिलिटीज। ये भी हो सकता है सर्वे ने शो किया है, किसने, इकोनॉमिक सर्वे ने शो किया है कि ऑल द स्टेट्स हैव एक्सेस्ड, जो बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स की बात करी गई 2018 के अंदर, वहां पर वो जो एक्सेस है बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स जो है उसने कहा है कि जो एक्सेस है वो इंक्रीज देखा गया है, और हाईएस्ट एक्सेस जो है वो देखा गया है झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा के अंदर, लोएस्ट देखा गया है केरला, गुजरात, पंजाब, हरियाणा के अंदर। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन।
चलिए तो यहां पे सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, स्टेटमेंट नंबर वन जो है, आयुष्मान भारत हैज लेड टू इंप्रूवमेंट इन हेल्थ आउटकम्स, ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। आयुष्मान भारत की वजह से आपको जो हेल्थ आउटकम है उसमें इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिला है। अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है, इट हैज कंस्ट्रक्टेड द बेयर नेसेसिटी इंडेक्स, जिसके अंदर पांच डायमेंशन है, 26 इंडिकेटर्स है, और यहां पर जो पांच डायमेंशन है वो भी करेक्ट दे रखी है। देखिए क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो बेयर नेसेसिटी इंडेक्स है इसके अंदर कौन कौन सी डायमेंशन है, तो फिर वो आपको बतानी पड़ेगी, सैनिटेशन, वाटर, हाउसिंग एंड अदर फैसिलिटीज, ये सब चीजें अलग से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। अब अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर सर्वे ने यह तो शो किया है कि जो बेयर नेसेसिटीज के अंदर जो एक्सेस है वो सभी स्टेट्स का बड़ा है, लेकिन हाइएस्ट एक्सेस और जो लोएस्ट एक्सेस है उसकी जो स्टेट्स है उनको यहां पर इंटरचेंज कर दिया गया। तो हाईएस्ट एक्सेस के अंदर आपके केरला, गुजरात, पंजाब, हरियाणा आते हैं, लोएस्ट एक्सेस के अंदर यहां पे झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा आते हैं। इसी वजह से आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। और क्वेश्चन नंबर सिक्स पे जाने से पहले मैं आपको क्रैक यूपीएससी एग्जाम 200 डेज की सीरीज के लिए वेलकम करना चाहूंगा, आपको इन्वाइट करना चाहूंगा दैट यू कैन यूज द जेन 50 कोड, और इस कोड को यूज करते हुए यू गेट द 50% डिस्काउंट एंड यू कैन सब्सक्राइब द सीरीज। ये जो सीरीज है आपको मिनिमम टाइम के अंदर यूपीएससी की प्रिपरेशन कराने में काफी हेल्प करने वाली है। एट द सेम टाइम सेल्फ स्टडी के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए वो भी मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूं अपने एक्सपीरियंस से, कि मैंने खुद क्या क्या चीजें पढ़ी और आपको कैसे क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। देखिए सबसे बड़ा रोड ब्लॉक जब मैंने प्रिपेयर किया था इस एग्जाम को लेकर, तो सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक मेरे सामने आया था वो ये था, टू मच ऑफ द इन्फॉर्मेशन, काफी सारी बुक्स जो होती थी उसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था, कॉन्टेंट काफी ज्यादा है, मेटीरियल काफी ज्यादा है, सो आपको वो किस तरीके से फोकस करना है कि यस मिनिमम पॉसिबल कॉन्टेंट पढ़ के आप मैक्सिमम रिजल्ट को जनरेट कर पाए। फॉर दैट यू कैन सब्सक्राइब क्रैक यूपीएससी एग्जाम 200 डे सीरीज। इसमें जो सारे लेक्चर्स हैं वो मैं खुद ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, देयर इज नो अदर फैकल्टी जिनसे लेक्चर्स बनवाए गए हूं। इसके अंदर हम स्पेक्ट्रम से लेके लक्ष्मीकांत, आपकी एनवायरमेंट इकोलॉजी, ज्योग्राफी, एनसीईआरटी, माइंड मैप्स, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, इन सभी चीजों को कवर करने वाले हैं। एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द क्लास लेक्चर्स फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, इन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको क्लास लेक्चर्स भी मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस बायलिंगुअल ये कोर्सेज होने वाले हैं, और इसके साथ साथ एमसीक्यूज के लेक्चर्स साथ में आपको अलग से मिलने वाले हैं। तो असाइनमेंट्स के तौर पर जो रोज आपको 3 से 3.5 घंटे का असाइनमेंट मिलेगा उसके अंदर आपको एमसीक्यूज के लेक्चर, क्लास लेक्चर मिलेंगे, देन साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए क्विजेस एंड वीकली मॉक टेस्ट आपका कराया जाएगा, मैराथन सेशंस दिए जाएंगे, सो दैट जब तक एग्जाम आता है तब तक आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाए। देखिए 150 डेज पड़े हैं आपके एग्जाम को, बट 150 डेज में भी यू कैन इजिली कवर दिस क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज। और जो साथ में मैं आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए कहता हूं उसको जरूर करते रहिएगा, बाय द टाइम आपका एग्जाम आता है एक रॉक सॉलिड प्रिपरेशन आपकी तब तक हो चुकी होगी। और अगर आप 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2021 में एग्जाम नहीं देना चाह रहे, या आप श्योर नहीं है कि 2021 में देंगे या नहीं देंगे, देन यू कैन गो फॉर द मिशन यूपीएससी 2022, क्योंकि यहां पर 200 दिन नहीं, यहां पे हम 500 डेज जो है उसके असाइनमेंट्स करके चलेंगे, ताकि बहुत अच्छे तरीके से प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की जो तैयारी है वो आपकी हो सके। सो आप exam.netmark.com पर जाकर इन सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम जेन 50 कोड को यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बात करता है एपीआई के बारे में। तो ईशा सैनी ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा और अभी ये न्यूज में भी था, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज फॉर्म्ड। एपीआई के बारे में पहली स्टेटमेंट कहती है, एपीआई इज अ केमिकल कंपाउंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस अ फिनिश्ड मेडिसिन। तो मेडिसिन बनाने के लिए, फिनिश्ड मेडिसिन बनाने के लिए ये जो है एक रॉ मटेरियल के तौर पर काम करता है। इंडिया जो है इसके मामले में सेल्फ रिलायंट है, मतलब हम चाहें तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। तो पीएलआई स्कीम्स जो है इस एरिया के अंदर गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर हो सकता है, फिर हम करेंगे इसके ऊपर एक डिस्कशन। सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसके बारे में। चलिए तो यहां पर पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया इसमें सेल्फ रिलायंट नहीं है, हम काफी ज्यादा एपीआई जो है वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, सो हमारी जो डिपेंडेंस है इसको लेकर वो किसके ऊपर है, चाइनीज के ऊपर है। इन द 2018-19 द गवर्नमेंट हैड इन्फॉर्म द लोकसभा दैट कंट्रीज ड्रग मेकर्स, उन्होंने काफी ज्यादा बल्क ड्रग्स जो है वो इंपोर्ट किया है 2.4 बिलियन चाइना से। तो हमारी डिपेंडेंस चाइना को लेकर है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एपीआई को लेकर।
इवन तो जेनेरिक मेडिसिन के अंदर इंडिया को कई बार फार्मसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है कि पूरे दुनिया की फार्मसी जो है इंडिया है, लेकिन हमारी डिपेंडेंस जो है एपीआई को लेकर वो सही हाथों में नहीं है, क्योंकि यहां पे चाइना जो है इस चीज को कभी भी कट ऑफ कर सकता है। देयर वाज एन आर्टिकल जो कि द हिंदू के अंदर मेंशन किया गया था दैट चाइना स्टिल हैज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रिटिकल आइटम फॉर इंडिया, क्योंकि ये सबसे बड़ी क्रिटिकल आइटम है मेडिसिन बनाने के लिए। सो इंडिया इज वर्किंग ऑन अ मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी, हम एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं ताकि हमारी जो डिपेंडेंस है वो चाइना के ऊपर कम हो सके और आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा सपना है वो हम फुलफिल कर सके और जो ट्रेड इंबैलेंस है वो भी चाइना के साथ बैलेंस कर सके। तो इंडिया सेल्फ रिलायंट है तो नहीं, इंडिया कहीं से भी सेल्फ रिलायंट नहीं है एपीआई के मामले में, और ये बेसिकली एक रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है ताकि फिनिश्ड मेडिसिन बनाई जा सके। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए यहां पे पीएलआई को भी लेकर आई है ताकि इस एरिया के अंदर इंडियंस अच्छा कर सके। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा, न्यूज में था ये इश्यू और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7th, the expenses that the patients or the family pays directly to the healthcare provider without a third party insurer or state are example of which expenditure? तो यहां पे जो expenses patients के द्वारा या फिर उनकी जो family होती है उनके द्वारा directly healthcare provider को pay किए जाते हैं जिसमें कोई भी third party नहीं होती है, वो किस चीज का example है अगर हम expenditure की बात करें? क्या वो fixed expenses है, out of pocket है, capital expenditure है, discretionary expenses है? सोचिए, economic survey 2020-21 ने strongly recommend किया है कि पब्लिक स्पेंडिंग जो है हेल्थ के ऊपर वो इंक्रीज होनी चाहिए फ्रॉम 1% टू 3 गुना 3%। वैसे मोर स्पेसिफिकली 2.5 से 3% कहा था, बट हम इसे राउंड ऑफ करके 3% मान लेते हैं कि यहां पे जीडीपी का जो परसेंटेज है 1% हेल्थ के ऊपर जाता है, लेकिन हमें 3% तक करना है। एंड आई एम क्वाइट हैप्पी क्योंकि आज जो बजट पेश किया गया है उसके अंदर शुरुआत ही जो सीतारामन मैम ने करी थी वो इसी से करी है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो हेल्थ के ऊपर काफी और हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा होने वाला है। तो कोविड-19 के बाद जो टाइम पीरियड है हमारा, हेल्थ सेक्टर के अंदर एक्सपेंडिचर बढ़ना भी चाहिए। और वैसे भी अगर किसी कंट्री के सिटीजन्स हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एश्योर्ड है तो वहां पर प्रोडक्टिविटी जो है उसकी देखी जा सकती है। तो यहां पे आंसर हमारा होगा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि पेशेंट्स या उनके फैमिली के लोग डायरेक्टली किसी हॉस्पिटल को, किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को देते हैं, क्योंकि यहां पर इंश्योरेंस का उतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, स्टेट का उतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप बाकी कंट्रीज में देखेंगे तो वहां पर हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन हमारी कंट्री में अभी उतना ज्यादा ये फेमस नहीं है, लोग इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तभी बाहर के लोग जब भी कोई बीमारी होती है उसको लेकर उतना ज्यादा परेशान नहीं होते, क्योंकि पहले तो परेशानी बीमारी की वजह से हो, फिर बीमारी के खर्चे की वजह से हो, लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता है क्योंकि उनको कवरेज मिला होता है, चाहे कई बार स्टेट उनको कवरेज देता है या फिर खुद ही वो हेल्थ इंश्योरेंस को परचेज करते हैं। बट यहां पर अभी ये कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा नहीं ट्रेंड के अंदर आया है, दैट्स वाई जो खर्चा है वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमें डायरेक्टली अपनी सैलरी में से, अपनी सेविंग में से यहां पर हॉस्पिटल को देना पड़ता है। लाखों रुपए का खर्चा कई बार इसके अंदर हो जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इसे कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं जो कि रामसर कन्वेंशन को लेकर है, पूछा गया रामसर कन्वेंशन को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। इट वॉज साइंड इन 1971 इन द ईरानियन सिटी ऑफ रामसर। रामसर ईरान की एक सिटी है, वहां पर इसे साइन किया गया था और कहा गया है कि जो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स इंडिया के अंदर है वो गुजरात के अंदर है और इनका नंबर 8 है। सुंदरबन जो है लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया के अंदर, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि न्यूज में क्यों था, सोचे। चलिए, तो हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रेकमेंड किया है कि सुल्तानपुर लेक एंड बिंदावस लेक जो है उसको रामसर वेटलैंड साइट के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये पूरी न्यूज थी, इसी वजह से रामसर साइट के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया। रामसर कन्वेंशन के ऊपर 1971 के अंदर आई थी, ईरान की सिटी रामसर के अंदर इसको साइन किया गया था। जो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, कोई बता सकता है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कहां पर है, किस राज्य के अंदर है? सो इट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो 8 वेटलैंड्स यहां पे अवेलेबल हैं। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, सुंदरबन इज द लार्जेस्ट। यस, सुंदरबन जो है वो लार्जेस्ट है, कुछ जगह पे आप देखेंगे चिल्का लेक भी लिखा है, बट सुंदरबन इज द करेक्ट वन। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी, बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार देख लीजिए मैप के ऊपर तो कौन कौन सी यहां पे रामसर साइट्स आपको देखने को मिल रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है पूछ रहा है, मेडिटेरेनियन सी इज अ बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो मेडिटेरेनियन सी इज अ बॉर्डर, किसके साथ बॉर्डर को ये बनाता है? जॉर्डन के साथ, लीबिया, इजिप्ट या फिर सऊदी अरेबिया? सोचिए, फिर मैं आपको मैप के ऊपर दिखाऊंगा और फिर इस क्वेश्चन को हम डिस्कस भी करने वाले हैं, सोचिए। चलिए, तो यहां पे अगर हम पहले मैप को देखें तो आपको यहां पे लीबिया दिख जाएगा,
इजिप्ट दिख जाएगा, ट्यूनीशिया भी आपको दिख रहा है, इटली भी आपको दिख रहा है, टर्की, सीरिया भी दिख रहा है, दिस इज द मेडिटेरेनियन सी, मोरक्को भी है, स्पेन भी, ऊपर फ्रांस, इटली, आसपास की कंट्री जरूर देखिए, सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन अंदर वाली साइड आपको दिख रहा होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो हमने देखा था पीछे जॉर्डन अंदर वाली साइड था, इसराइल वहां पे फिर भी आपको बिल्कुल बॉर्डर के साथ दिख रहा था, सऊदी अरेबिया तो वैसे ही नहीं दिखा हमें क्योंकि बिकॉज इट इज ऑन द सदर्न साइड, थोड़ा नीचे की तरफ है, जो कि इसी वजह से मैप पे नहीं दिख रहा था। लीबिया और इजिप्ट जो थे वो हमें साफ दिख रहे थे, तो दोनों ही आंसर यहां पर करेक्ट हो जाते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। दोबारा से देख लीजिए, लीबिया और इजिप्ट की लोकेशन मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर कैसे इनका टच हो रहा है, सो दिस इज लीबिया, इजिप्ट, और यहां पर यहां नीचे आएंगे अब, ठीक है, तो आपको दिखेगा सऊदी अरेबिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। सीआईसी के बारे में बात करें, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को लेकर पूछा, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहां पर सही हो जाता है। द सीआईसी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 12 अक्टूबर 2005 अंडर द आरटीआई एक्ट 2005 में इसको बनाया गया था, आरटीआई एक्ट 2005 जब पास किया गया। सीआईसी शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एंड शेल बी एलिजिबल फॉर कंजेकटिव टर्म। तो सीआईसी जो है उनका कार्यकाल दिया है 5 साल का है जब भी वो ऑफिस में एंटर करते हैं, और कंजेकटिव टर्म मतलब अगले टर्म के लिए, सक्सेसिव टर्म के लिए भी वो एलिजिबल रहते हैं, हो सकता है। जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड अपॉन ऑल द सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज, जितनी भी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनके ऊपर सीआईसी की जुरिस्डिक्शन रहती है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन, क्योंकि द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल दिया गया था, राइटर हैज एक्सप्रेस्ड हिज ओपिनियन अबाउट द पावर कर्टेलमेंट ऑफ आरटीआई बाय वेरियस गवर्नमेंट। तो अलग अलग सरकारों ने किस तरीके से आरटीआई के साथ छेड़छाड़ किया है उसके बारे में बताया गया था, बट यहां पर सीआईसी का जो ऑफिस है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर अगर मैं आपको सीआईसी के बारे में बताऊं, तो इनका जो कार्यकाल रहता है, द टेन्योर इज ऑफ 5 years, 5 सालों का ही रहता है, और यहां पे एलिजिबिलिटी नहीं होती है रीअपॉइंटमेंट के लिए, ध्यान रखिएगा, दैट्स व्हाई सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। बट यस, यहां पे 2005 में ही सीआईसी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जुरिस्डिक्शन जो है सभी पब्लिक अथॉरिटीज के ऊपर उनकी रहती है, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। चलिए 10 क्वेश्चन हमारे यहां पर कंप्लीट होते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं 10 के 10 क्वेश्चन को, एंड बी रेडी बिकॉज ये आपकी एक्टिव रिविजन होने वाली है, और एक्टिव रिवीजन में आंसर आप ही लोगों को करने हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके आंसर करिएगा, फिर हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को डिस्कस करने वाले, और लास्ट टाइम के जो हमारे विनर हैं उनको भी देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको पीएम केएसएम के बारे में डिस्कशन किया था, जल्दी से मुझे बताएं कि एनुअल सालाना कितना लाभ देने की बात करी गई थी किसानों को, हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, रिटायर्ड पेंशनर्स को भी पैसा देने की बात करी गई थी, बट वहां पे 10,000 की एक लिमिट जो थी वो लगाई गई थी कि 10,000 इससे ज्यादा अगर पेंशन मिल रही है तो एलिजिबल नहीं होंगे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी ये भी बताया था, 100% पैसा कहां से आएगा, ये सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, और यहां पे 6,000 रुपए साल में देने की बात करी गई थी, 2 हेक्टेयर की लिमिट भी यहां पर लगाई गई थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में मैंने आपसे पूछा था, यहां पर मुझे बताएं यस और नो, सिंपली यस और नो करके बताइएगा कि जो डिस्ट्रक्शन अगर वाइल्ड एनिमल्स की वजह से होता है तो क्या कवरेज होगा या नहीं होगा, ये मुझे बताएं जल्दी से। और मैंने बताया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑप्शनल रहेगी, और पहले जो था मैंडेटरी करी गई थी जिन फार्मर्स ने लोन लिया हुआ है, बट अभी इसे रिसेंटली कुछ महीने पहले ही इसे ऑप्शनल किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जो लोकल नेचुरल कैलामिटीज है, लैंडस्लाइड्स है, हेल स्टॉर्म्स है, इसको भी इंक्लूड किया गया है, और यहां पे डिस्ट्रक्शन वाइल्ड एनिमल्स के द्वारा कवर नहीं करी गई है। फिर हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर हमने पूछा था क्वाड के बारे में, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जल्दी से मुझे चारों कंट्रीज के नाम बताएं जो आपको याद आ रहे हैं, अगर एक का भी नाम याद आ रहा है तो प्लीज बताएं क्वाड। यस, तो यहां पे करेक्ट आंसर इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा, चाइना को बैलेंस करने के लिए इसे बनाया गया है। फिर हम मनरेगा को डिस्कस करेंगे, मनरेगा के अंदर जितना रिजर्वेशन दिया जाता है, जल्दी से बताएं मुझे वुमेन को कितना रिजर्वेशन दिया जाता है। यहां पर एक्ट ने लीगल राइट टू एम्प्लॉयमेंट जो है वो दिया है रूरल हाउसहोल्ड्स के अंदर मेंबर्स को, और फंडिंग जो है इसके अंदर सेंट्रल स्टेट की शेयर करी जाती है, 33% रिजर्वेशन इस दिया, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपसे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पूछा था, जल्दी से मुझे बताएं कि किन स्टेट्स को एक्सेस जो था वो यहां पर दिया गया था, लार्जली एक्सेस, हाईएस्ट एक्सेस जो था वो रिकॉर्ड किया गया एज पर द इंडेक्स। मैंने आपको कुछ राज्यों के नाम बताए थे, खासतौर पर आपके केरला, गुजरात याद आ रहा है आपको, पंजाब, हरियाणा, और यहां पर लोअर एक्सेस के स्टेट्स भी मैंने आपको बताए थे। इसके बाद मैंने आपको जेन 50 कोड को यूज करने के लिए कहा था, तो प्लीज इसे यूज कर लीजिएगा। देन विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, तो यहां पे एपीआई के बारे में, एपीआई की फुल फॉर्म याद है तो प्लीज बताएं, और कौन सी कंट्री है जहां से सबसे ज्यादा हम इसे इंपोर्ट करते हैं और हम उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, और यही डिपेंडेंस दूर करने की बात करी गई थी कि इस डिपेंडेंस को हमें दूर करना है, और यहां पे चाइना का नाम सबसे पहले आ रहा था, मैंने आपको डेटा भी दिया था 2.4 बिलियन जो चाइना से यहां पर हमने इंपोर्ट किया था।
फिर हमारा डिस्कशन हुआ था एक्सपेंसेस दैट आर पेशेंट और द फैमिली पेस डायरेक्टली टू द हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो वो कौन से एक्सपेंडिचर थे जल्दी से बताएं शॉर्ट में मुझे, आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ पॉकेट। और यहाँ पे सर्वे में कहा गया था कि 1% से बढ़ाकर हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना कर देना चाहिए, 3%। चलिए रामसर कन्वेंशन के बारे में बताया था, मेरे को जल्दी से उस ईरानियन सिटी का नाम बताया, मुझे ये भी बताएं किस स्टेट से, भारत के किस राज्य से सबसे ज्यादा आपकी रामसर साइट्स आती हैं। और सुंदरबन इज द लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, ये भी मैंने आपको बताया था 1971 में ईरानियन सिटी रामसर के अंदर कन्वेंशन आई थी। और अभी हरियाणा से दो साइट्स को रेकमेंड किया गया, उनके नाम भी याद है तो प्लीज बताएं। एक का बता देता हूं सुल्तानपुर लेक, दूसरी लेक का नाम मुझे बताइएगा। और उत्तर प्रदेश यहां पर करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे हमारा डिस्कशन हुआ था कि कौन सी कंट्रीज मेडिटेरेनियन सी को बॉर्डर करती हैं, तो जल्दी से मुझे उन कंट्रीज के नाम बताएं। जॉर्डन भी नहीं थी, सऊदी अरेबिया भी नहीं थी, लिबिया एंड इजिप्ट बोथ आर करेक्ट। फिर लास्ट क्वेश्चन में हमारा डिस्कशन किस चीज को लेकर हुआ था, लास्ट क्वेश्चन में सीआईसी को लेकर हुआ था। और यहां पे सभी पब्लिक अथॉरिटीज को एक्सटेंड करती है, देन एट द सेम टाइम जल्दी से येस और नो में मुझे बताएं क्या री एलिजिबल होती है, बेसिकली री अपॉइंटमेंट के लिए क्या ये एलिजिबल होती है, येस और नो, दोबारा से क्या 5 साल के लिए इनको रखा जा सकता है, तो 5 साल का कार्यकाल तो होता है लेकिन री अपॉइंटमेंट का प्रोविजन यहां पर नहीं रखा गया। ध्यान रखिएगा 10 क्वेश्चंस हमारे यहां पे कंप्लीट होते हैं और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन को। चलिए तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज मैं आपसे पूछने वाला हूं। सो सबसे पहले तो मुझे बताएं नेम द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर सबसे छोटी रामसर साइट, क्योंकि सबसे बड़ी मैंने आपको बता दी, बट द स्मॉलेस्ट रामसर साइट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले इफ यू वांट टू विन द फ्री पीडीएफ को जीतने के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात तो अब आएगी जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मेंस का और इंटरव्यू का, बिकॉज मेंस में मैं आपसे पूछ रहा हूं इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन चाइना ऑन एपीआई, हाउ इंडिया कैन बिकम आत्मनिर्भर इन दिस एरिया। तो एपीआई के लिए हम चाइना के ऊपर डिपेंड करते हैं, बट आपको एज अ सिविल सर्वेंट आइडिया सजेस्ट करनी है कि कैसे इस एरिया के अंदर हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बिकॉज यही चीज सरकार जानना चाहती है। और अब मैं जो इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछूंगा वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे मेंस के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है या फिर इवन एससे भी इसके ऊपर आ सकता है, फिर समझ में नहीं आएगा कि पूछा क्या जा रहा है। डू यू थिंक गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू स्टे इन बिजनेस, क्या आपको लगता है कि व्यापार में रहना सरकार का व्यवसाय नहीं है? तो यहां पे सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे मेंस के अंदर, एससे के अंदर और इवन इंटरव्यू के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। तो यहां पे मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया, आप चाहें तो इसका मेंस के तौर पे भी आंसर लिख सकते हैं और चाहें तो यहां पे इंटरव्यू के तौर पे भी आंसर अपना दे सकते हैं इंटरव्यू ग्रुप के अंदर। सो आपको हिंट देता हूं, आज बजट पेश हुआ है और आप जानते हैं कि जो बजट पेश हुआ है इसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट की बात भी करी गई है और यह भी कहा गया कि इस साल में एलआईसी का जो आईपीओ है वो भी हमें देखने को मिलेगा। काफी सारे सेक्टर्स जो हैं, चाहे वो आपका एयरवेज हो, उनको भी डिसइन्वेस्ट करने की बात करी गई है, इवन स्टील सेक्टर के अंदर भी इस चीज के बारे में बात करी गई, तो काफी सारे सेक्टर्स को डिसइन्वेस्ट करने की बात करी गई है। सो आपको बताना है कि क्या ये चीज सही है कि नहीं, क्योंकि देखिए इसके ऊपर मुझे पता है हमेशा दो पॉइंट ऑफ व्यूज रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप पब्लिक सेक्टर को बेच क्यों रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर को जो लॉस मेकिंग है आप बेच क्यों नहीं रहे, क्यों टैक्स पेयर का पैसा हमें देना पड़ रहा है उनको सस्टेन करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में लोग काम करते हैं और उनकी सैलरी कौन देता है, इवेंचुअली तो हम लोग ही देते हैं, टैक्स पेयर्स देते हैं। तो आप क्यों मेरे जैसे लोग जो है जब पैसा देते हैं उसके बाद ही ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस चलती है लेकिन लॉस में चलती है, तो कहीं ना कहीं हमारे पैसे का उतना अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। बट ऑन द अदर एंड कुछ लोग ये कहते हैं कि जब आप पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हैं ये तो गवर्नमेंट की एसेट है, ये तो देश की एसेट है, तो आप इसको क्यों बेच रहे हैं। तो दो पॉइंट ऑफ व्यूज यहां पर रहते हैं। आपको बताना है कि क्या आपको लगता है गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू स्टे इन बिजनेस, पीएसयूज को क्या करना चाहिए, पीएसयूज को रखना चाहिए, सेल करना चाहिए, किस तरीके की पीएसयूज को सेल करना चाहिए, किस तरीके की पीएसयूज को रखना चाहिए, देन आई विल रीड योर आंसर्स और उसके बाद फिर मैं आपको आपका एक जो रिव्यू है वो दूंगा। सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 9 बजे इसके ऊपर लेक्चर आज भी आने वाला है, विल डिस्कस 10 न्यू टॉपिक्स, 10 नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और कल से हमारे बजट के जो लेक्चर्स हैं और बजट के एमसीक्यूज हैं वो शुरू होने वाले हैं। लास्ट टाइम जो करेक्ट आंसर दिया है वो दिया था इमी खान ने, तो इमी आप मुझे मेल करके या मैसेज करके बता दीजिएगा आपको जो पीडीएफ चाहिए। आंसर्स के साथ साथ अपने मार्क्स को कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जितना भी आपने स्कोर किया है पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी कल रात को 10 बजे। देन बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है और उसके बाद ऑल बटन को प्रेस करना जरूरी है सो दैट आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे, चाहे वो एनसीईआरटी के वीडियोस या करंट अफेयर्स हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू टुडे एट 9 PM। हैव अ नाइस डे।